गतकाली भद्रक एसीबी ऑफिस रे एसआई बसंत राउत देथे मामला आज भिन्न मोड़ नेछि। जेउं 3 नंबर पत्नी को नाम रे बसंत धुसुरी थाना रे अभियोग करथिले, आज सेही 3 नंबर स्त्री तांको परिवार सहित धुसुरी थाना रे उपस्थित रही ओगाळथिले बसंत को नाम रे विष। आ तृतीय पत्नी सौदाबिनी कहिथिले मते कोनो टोक्का मिलु नहंती, मु तो भली 60 वर्षर बुढ़ा को बाहाबी। मो भौणी तथा बसंत कर 2 नंबर स्त्री गुरुतर कर्कट रोग रे पीड़ित होबा हेतु तार सेवा पाई मु मो मां सहित दीर्घ दिन हबो से घरे रहउतली ना, मु केबे तांको नाम रे सिंदूर पिंधिछि ना, तांकर स्त्री होइछि ना, तांको स सहवास करछु बोली कहिछन्ती सौदाबिनी। मो भौणी थिला बेले मुई ता घर रहउतली, सेबे मते सबुबेले फोन कर धमकले, कहले कि मु झियो के नै जाउछि, झियो नेला पर तम घर टोटल आसी के धमक दथु बसंत सेला बार बार फोन कले कि ना काई फोन रिसीव करियो नि बार बार से मद पी आम घर आसे मना कले कि मद पी आम घर रात 12 आसे कौन आस तुम झील अच्छे मुझे ये आसती मो झील तो नी तुम घर टोटाल आसमी आम कह ठीक है तुम झील तुम्हें नहीं जाओ तुम झील तो नहीं गले पर दिन बार बार फोन कले आम कि फोन रिसीव कर मो भोन कैंसर थी सीरीयस थे ये बसंत आज से रो नए प्राय टाइम सी तुम ड्यूटे पड़ा पर कहीं ना तापर है माँ भी जाती मुझ भी जाए मोर जो पाठ पढ़ा मैंने किसी दिन छुट्टी रोए मुझे ये रही आसे पुणे माँ जा रोए रही सेवा करू आ कौन से कारण अभियोग करते बसंत राउत आप घर भाव बहुत करते केबे भी ने प्रमाण दे परिबे कि से पचारी एते फेरंती मझिरे कहले हम गाल को समस्त फोन करी कहछन कि कोर्ट मैरिज करछु बोली कोर्ट मैरिज मागिला बेले को सांगे सांगे कोई चेंज करले कथा ताले एटा मिछन होते बोली किछ माने अछि प्रमाण दियंतु एटा आकर अभिजो रहि छि आपन को घर ईश्वर विवाह करथले से जतला देउडी जाइथले देउडी जीवा समय रे आपन अन्य अप पिला संगर आको बेडरूम रे आपन कोन रखि छि मिछ से हला मो हला से हम घर पखर मो भाई से हला मो भाई मोर छले बेणी गदथले से मन समस्त थिले भाउज थिले बाकी समस्त थिले आको फैमिली समस्त थिले हम घर पखर आपन को भौणी को सहमति क्रमे आपन सहित विवाह करछन बोली से बसंत राउत कहउछन्ते एटा मिछ कथा एने भौणी थांदा त भौणी भी सकी दे पातन भौणी मरि जाय तळे से पई कि ताको ना जहां मिछ कहि देले से ओ सकी पे दे परबे ना से पुनी पुनी कहि जते परामर्श करम बापा मां को परामर्श करम बापा मां को पचा दे परे प्रमाण दे परी बापा मां को पर किछ तो जो कहछन 2021 रे मते मैरिज करछन बोली ताले किछ प्रमाण तो थिवो ना डिवोर्स हला कोन किछ बिना प्रमाण दे चलछन सब से आउट अभिजो करछन जे आपन को बापा काले कहिछन कि मो बडो जी होउछ पुलिस ऑफिसर मो सांदा जे को विवाह 5 लाख टका जे दबो मो ताको बाहर कर देनी मिछ से जो पिला आपन को बेणी मा दुतला से पिला काले 5 लाख संपर्क देकी इमी करछन मिछ जो 5 लाख तो हमर खाली इमती खाली कहि देले हे गला किस्त प्रमाण थिवो ना बिना प्रमाण दे के कोन करे नै आपन बर्तन कोन चाहौ छन मु न्याय दरकार मते एठे न्याय देबे नचत मु वाला हाई लेवल को जाई परबे कोन न्याय चाहौ छन आपन न्याय चाहिबे से मते जो बदनाम करछली सेटा जमिति मते ला जा ताकू कठोर कठोर शास्ति मिलो से जो बे माने सब सर हम गा सर हम कॉलेज भी जाई परनी कोर्ट घर भी भाई भी माने समस्त मते ई क्वेश्चन करछन तू हला ताकू मैरिज करछु तासो तू रिलेशन अछु मु कोन ताकू रिलेशन अछि प्रमाण दे परबे बसन करथा अभिजोग को खंडन करछन सौदाबिनी और माँ एपरिक बसंत को द्वितीय पत्नी को मध्य बसंत जोर जबरदस्त बाहा होते गुरुतर अभियोग कर सौदाबिनी और माँ सुषमापति ये सब मिछ कथा घटना झीर 5 वर्ष है कैंसर है कैंसर है मद पी झी को मराधरा करे करवा द्वारा झील कांदी कहला माँ तुम्हें जी कहीं न आसिक रो मत बसंत मारदेव आम से बाध्य मो झी सान झी मुझे जाइक रहीनु रही तार सेवा शुश्रूषा करूँ कटक भी मुझे जाए कटक मेडिकल डॉक्टर भी ताको कहले बाप माँ को चिकित्सापाई सी एत दिन बंची डॉक्टर भी निजे आणी देखाशुना कर रहा लास्ट को निजे चलाबुला करम निजे कर चल कटक निजे जा कथा बुझे 8 दिन बेड्र पड़गला पड़गला आम पाखर माँ झी रही पूरा टोटाल बेड झाड़ा परिश्रा पर्यटन भी कै आम निज छुआ भाया चामचर खोईमु पेमु सब करूँ सान झी गले कौन सान झी झीर पूरा असुस्थ हो गला मुझु सब बेले घर देखमी बाहर देखमी सीए जाए भी जाइक रुवे सब बेले सान झी ट्यूशन हुए भौणीर सेवा कैसे माँ छुआ
କୌଣସି ପ୍ରମାଣ ସେ ଆମେ କୌଣସି ମତେ ସମ୍ମତ ମୁଁ ଯେ ଝିଅ ମୋ ସାନ ଝିଅ ତାକୁ 60 ବର୍ଷର ବୁଢ଼ାକୁ ବାହା ହେଇଛି ବୋଲି 20 ବର୍ଷର ଝିଅ ଏଇଆ ବି ଅଭିଯୋଗ ସେ କରିଥିଲେ ସେ ଦେଉରି ଯିବା ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ଅର୍ଥାତ୍ ସେ ବସନ୍ତ ରାଉତଙ୍କ ଶ୍ୱଶୁର କହିଥିଲେ ଯେ ମୋ ବଡ଼ ଜୁଇଁ ଜଣେ ପୁଲିସ ଅଫିସର ଯଦି ମୋ ସାନ ଝିଅକୁ ଝିଅ 5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଦବ ମୁଁ ତାକୁ ବିବାହ କରିବି ସେ ଏକଦା ପ୍ରମାଣ କିଏ ଅଛି ପ୍ରମାଣ କିଛି ତ ଥିବ ତା ଶ୍ୱଶୁର କହୁନି ବାପୁ କହିଛି ବୋଲି 5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଦେଲେ ଝିଅକୁ ବାହା ହବା କଥା ଏଇଟା ପ୍ରମାଣ ତ କିଛି ଥିବ ମିଛ ଏସବୁ ହେଲା କିଛି ଗୋଟେ ପ୍ରମାଣ ତ ପୁଣି ଥିବ ସେ ବାହା ହେଇଛନ୍ତି ବୋଲି ସେ କହୁଛନ୍ତି ଆହୁରି ଢେର ଖରାପ କଥା କରି କହିଛନ୍ତି ଆମ ଭିଡ଼ିଓ ଆମର ବି ଅଛି ରେକର୍ଡିଂ ସବୁ ଅଛି କୌଣସି ଭଉଣୀ ଥିଲା ଭଉଣୀ ମୁଁ ବି ରହୁଥିନି ମୁଁ ତା ସାଙ୍ଗରେ ରହୁଥିନି ଆମେ ମା ଝିଅ ଦୁଇ ଜଣ ସାଙ୍ଗ ହେଇକି ରହୁଥିନୁ ମୋ ଝିଅର ସେବା କରିବା ପାଇଁ ୟା ଭିତରେ କୌଣସି ତା ସହିତ ଆମର କୌଣସି ନେନ୍ ଦେନ୍ ନାହିଁ ତା ସେ ଅଭିଯୋଗ ସିଏ କରିବେ ମୁଁ ଆମେ ମୋ ଝିଅ ବରଙ୍କ ମୁଁ ନବା କରିମି ଅନମ୍ୟାରେଡ୍ ରଖିଦେମି କିନ୍ତୁ ମୁଁ ସେ 60 ବର୍ଷର ବୁଢ଼ାକୁ କୌଣସି ମତେ ମୁଁ 20 ବର୍ଷର ଝିଅକୁ ଦେମି ନାହିଁ ମୋ ଝିଅ ଯଦି ସେ ବାଧ୍ୟ କରିବ ତାହେଲେ ମୋ ଝିଅ ତାରି ନାଁରେ ଏଇ ସାନା ସାମ୍ନାରେ ସୁସାଇଡ୍ କରିବ ତେବେ ଗୋଟିଏ ଭୁଲ ଆମେ କରିଛୁ ଦ୍ୱିତୀୟ ଥର ଭୁଲ କରିବାକୁ ଚାହୁଁନୁ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ମା ଓ ଝିଅ କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ଥାନାରେ ଉତ୍ତେଜନାପୂର୍ଣ୍ଣ ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିବା ବେଳେ ପୋଲିସର ହସ୍ତକ୍ଷେପ ପରେ ପରିବେଶ ଶାନ୍ତ ପଡ଼ିଥିଲା ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ଗତକାଲି ଏସ୍ଆଇ ବସନ୍ତ ରାଉତ ଜିଲ୍ଲା ଆରକ୍ଷୀ ଅଧ୍ୟକ୍ଷଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ଦେଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ ଅନୁଯାୟୀ ବସନ୍ତଙ୍କ ତୃତୀୟ ପତ୍ନୀ ସୌଦାବିନୀ ପତିଙ୍କୁ 2 ବର୍ଷ ତଳେ ବିବାହ କରୁଥିଲେ ତାହା ପୁଣି ତାଙ୍କ ଦ୍ୱିତୀୟ ପତ୍ନୀଙ୍କ ସହ ସହମତିରେ ତେବେ ତୃତୀୟ ପତ୍ନୀଙ୍କ ପରିବାର କିନ୍ତୁ ସୌଦାବିନୀଙ୍କୁ ଅନ୍ୟତ ବିବାହ କରିବାକୁ ଚକ୍ରାନ୍ତ କରିଛନ୍ତି ତେଣୁ ସୌଦାବିନୀଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଫେରାଇ ଆଣିବାକୁ ଜିଲ୍ଲା ଏସ୍ସିବିଙ୍କ ପାଖରେ ଫେରାଦ ଦେଇଥିଲେ ବସନ୍ତ ତେବେ ଏଭଳି ରୋମାଞ୍ଚକର ପ୍ରେମ କାହାଣୀର ଅନ୍ତ କେଉଁଠି ଘଟୁଛି ତାହା ଦେଖିବାକୁ ବାକି ରହିଲା ଭଦ୍ରକରୁ କମଳଲୋଚନ ପଣ୍ଡାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ଡୁମାଣି ଟିଭି।